आई आवाज। वैज्ञानिकों ने अरबों साल पहले दो ब्लैक होल के बीच हुई टक्कर के बाद एक नए आकार के ब्लैक होल का निर्माण होने की बात कही है। आसान भाषा में कहे तो वैज्ञानिकों ने आज तक खोजे गए दो ब्लैक होल की सबसे भारी टक्कर का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ब्लैक होल के बीच यह टक्कर करीब 7 अरब साल पहले हुई थी, क्योंकि यह टक्कर पृथ्वी से इतनी दूर हुई थी जिसके कारण इस टक्कर के संकेत हमें अब मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के जन्म के बारे में और भी जानकारियां मिलेंगी। वैज्ञानिकों ने जनरल एस्ट्रोफिजिकल में परिणाम प्रकाशित किए हैं, जिनके अनुसार जिन दो ब्लैक होल में टक्कर हुई थी उनमें से एक ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 66 गुना और दूसरा ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का 85 गुना बड़ा था। यह दोनों आपस में टकराने से पहले कई बार काफी तेजी से एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के आसपास घूमे और अंत में आपस में टकरा गए। इस टक्कर के बाद एक विस्फोट हुआ और काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकली। टक्कर के बाद जो विस्फोट हुआ उसमें से शॉक वेव्स, गुरुत्वाकर्षण लहरें, जो स्पेस में प्रकाश की गति से यानी लाइट की गति से चारों तरफ फैलने लगी, वही इन दो ब्लैक होल की टक्कर के बाद एक नए ब्लैक होल का निर्माण हुआ जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 142 टाइम्स बड़ा था। अमेरिका और यूरोप के भौतिक वैज्ञानिकों ने पिछले साल कन्या नामक डिटेक्टर का उपयोग करते हुए शॉक वेव्स को कैप्चर किया था। इन डिटेक्टर के माध्यम से हम शॉक वेव्स को ऑडियो में बदल सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने वास्तव में टक्कर की आवाज़ को सुना है। इस टक्कर की आवाज़ वैज्ञानिकों को सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर आई थी।